आज हम नन टू मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपने द नन मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है, ये वाली नन मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए और आगे हम बात करेंगे ये कॉन्जोरिंग यूनिवर्स से कनेक्ट करती है या नहीं। तो अब हम इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्जोरिंग यूनिवर्स की मूवीज अक्सर 90s में ही सेट रहती है और इस द नन मूवी भी 90s में ही सेट है। फ्रांस में 1956 में एक प्रीस्ट का मर्डर हो जाता है, उसके बाद अजीब गरीब घटनाएं घटने लगती है। तब सिस्टर इरीन इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनका सामना वालक से होता है, जो कि कॉन्जोरिंग यूनिवर्स की वालक रहती है। उसका सामना सिस्टर इरीन से होता है नन टू मूवी में। नन वन में भी उनका सामना उसका हो चुका है। और अब ये मूवी क्या कॉन्जोरिंग यूनिवर्स से कनेक्ट होती है या नहीं, इसके बारे में हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से। हमारी वीडियो का वेट करिए, अगली वीडियो हम उस पर ही बनाएंगे। और अगर आप कॉन्जोरिंग यूनिवर्स के डाई हार्ड वाले फैन हैं और आप चाहते हैं कि कॉन्जोरिंग यूनिवर्स आपको सही ऑर्डर में मिले तो आप राइट वाली वीडियो पे चेक कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।